रायसेन नगर पालिका ने लगाया जुर्माना, दुकानदारों ने जताया विरोध। रायसेन नगर पालिका द्वारा एक निजी मेडिकल स्टोर वाले पर जुर्माना लगाया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेखा जाटव ने फोन पर हमारे चैनल को बताया कि अस्पताल के सामने के नाले में बड़ी मात्रा में दवाइयां से संबंधित कचरा भरा हुआ था। जांच करने पर मिली पर्चियों के आधार पर पता चला कि यह कचरा एक मेडिकल स्टोर वाले का है, जिसके फोटो भी नगर पालिका द्वारा जारी किए गए हैं। इस आधार पर नगर पालिका के द्वारा उसी मेडिकल वाले पर जुर्माना लगाया गया। उधर मेडिकल स्टोर के मालिक का कहना यह है कि यह कचरा हमारा नहीं है। इसके अलावा अन्य मेडिकल स्टोर वालों का कहना है कि यहाँ पर नियमित कचरा गाड़ी नहीं आती, उसके बावजूद भी हमने डस्टबिन रख रखे हैं। जिस मेडिकल स्टोर वाले पर जुर्माना लगाया गया है, उसका कहना है कि मेरी दुकान की पर्ची गलती से उड़ कर वहाँ पहुँच गई थी। मेरे द्वारा साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखा जाता है। वहीं कुछ मेडिकल स्टोर वालों का आरोप है कि यहाँ पर सुलभ शौचालय नहीं है। अगर पालिका द्वारा रखे गए शौचालय का डिब्बा बहुत ही गंदा और बदबूदार है, जिसकी नियमित साफ सफाई नहीं की जाती। दोनों पक्षों के अपने अपने वादे और दावे हैं। नगर पालिका द्वारा लगाए गए जुर्माने को दुकानदारों द्वारा न भरे जाने के बाद अब नगर पालिका इस मामले को न्यायालय ले जाने की तैयारी में है। क्या कहना चाहते हो सर? यहाँ पे कोई सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। एक डब्बा रखा हुआ है डब्बा, उसमें गंदगी इतनी है कि वहाँ पे वॉशरूम जाने की इच्छा नहीं होती है। बहुत परेशान है। कचरा गाड़ी कब आती है? कचरा गाड़ी सर एक दिन छोड़ कर आती है डेली। क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजेश कुमार लोधी। क्या कहना चाहते हो आप? गाड़ी एक दिन छोड़ के आती है कि डस्टबिन में कचरा हो जाता है। अच्छा, फिर कहाँ डालते हो कचरा आप? गाड़ी में डालते हैं। कई दुकान है आपकी? स्टार मेडिकल। क्या नाम है आपका? फरहान। क्या मामला है, क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाहते हैं कि परसों के दिन नगर का मैडम शाम को विजिट पे आई हुई थी, नाली की तरफ जो ढेर देखा है आप, अभी भी जो लगा हुआ है कचरे का, उसमें हमारे यहाँ की दुकान की एक क्लिप मिली उनको नाली में। हमारा कहना ये है कि उनका कहना ये था कि साहब आपने फेंका है कचरा पूरा। हमारा अभी भी यही कहना है कि हमने कचरा नहीं फेंका। वो स्लिप अगर उड़ के भी पहुंच गई होगी या जो आपने प्राप्त करी है तो उसकी कुछ वो नहीं, मगर कचरा हमने नहीं डाला। वो हमारी बात से नाखुश थी, उनको ये लगा कि नहीं साहब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि कचरा इनने डाला है। वो हकीकत बात है कि हमने नहीं डाला है। हमारी एक स्लिप अगर पहुँच जाती है तो क्या पूरे कचरे की जिम्मेदारी हमारी होगी? कचरा कहाँ डालते हो? कचरा हम नहीं डालते, नगर पालिका की एक दिन छोड़ के गाड़ी आती है। जैसे कल नहीं आई है, कल पूरे दिन नहीं आई है ना, जब भी आती है बराबर हमारे डस्टबिन लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास बाकायदा डस्टबिन है, सूखे कचरे का अलग है, गीले कचरे का अलग है रखा हुआ है। साफ सफाई की व्यवस्था है, साफ सफाई के लिए लड़का लगा हुआ है। उसके बाद भी उस चीज़ को उन्होंने नहीं देखा, उसके बाद भी चालान कार्रवाई की हमारे ऊपर। क्या नाम है आपका? मैं पवन दुबे। क्या नाम है आपकी दुकान का? भारत मेडिकल स्टोर।